ओवर डाला हुआ है उसकी वजह क्या है डालने की। फेवर तो 12 का भी आता है, 24 का भी। हाँ नहीं तो 24 में क्या आपका लेआउट सही आ जाता है? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। आपको लग रहा है ना फर्स्ट क्लास, मुझे नहीं लग रहा। आपका अच्छा वो मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ कि जो आपके जो ड्रेनेज का पूरा बन रहा है उधर आपका जो शूज सरिया है वो बीच में से हर जगह से उसने सरिया भी छोड़ा हुआ है जी। नहीं कोई पीछे से नहीं कर रहे, दोनों साइडों पे सरिया डलता है। सरिया में आपकी 6 इंच की लाइनिंग होती है, हर 6 इंच पे एक सरिया होता है जो आप बॉल बनाते हैं। एक साइड में आपका पूरा हर 6 इंच से नहीं बल्कि 12-12 इंच का फासला था। कौन आपका उसमें सुपरवाइजर कौन है आपका, क्या करते हैं उधर? 24 घंटे क्या मतलब होते हैं? मुझे तो नहीं लगता 24 घंटे होने वाला रोड है। मैं भी MW वालों को बोलता हूँ ऑफिसर इंक्वायरी में उधर बैठे रोड को देखे जरा। दिस इज नॉट ऑन। कहाँ है आपके सुपरवाइजर जो रोड साइड होते हैं? कहाँ है आपने बुलाया उसको? ये किधर आप गए? कौन है? नहीं पहले वाले पोर्शन का। कौन है? नवीन। नवीन कौन है? नवीन। वो शुरू वाला जो आपका सेक्शन है उसके आने जाने का, उस शुरू वाले आपके सेक्शन जो है आने दो बस इधर ही आ जाए। कुछ शुरू वाला सेक्शन आप करवा रहे हैं? किस तरह का काम करवा रहे हैं? इतने बड़े बड़े पत्थर गोल्डर रोड के बीच में देश में आपको डाल रहे हैं? साथ साथ उठवा रहे हैं। नहीं नहीं डाल क्यों रहे आप इधर? जाली जाली डाल के सब बेस क्यों नहीं भराई कर रहे हैं? नहीं जाली आपकी नदी नहीं डालती काम? मैंने नहीं किया, मैं मुझे ज्यादा उस तरह ना बताइएगा। तो जाली आपने किया जब आपका लोडर और डंपर नदी से माल उठा रहे हैं, क्या आपने जाली लगाई है ताकि वो बड़ा पत्थर उसमें नहीं जाए? क्यों? अच्छा एक दूसरा जो आपकी जो नाली बन रही है ड्रेनेज की, बीच में आपने सूद में सारा सरिया भी छोड़ा हुआ है, क्यों? 6 इंच भी होना चाहिए, कहीं 9 इंच भी छोड़ा हुआ है, कहीं 12 इंच भी छोड़ा हुआ है। मैं उधर ही खड़े हो गया आ रहा हूँ, ज़्यादा बात ना करें। नहीं तो अभी हम क्या देख के आए हैं? आसमान तो देख के नहीं है ना, रोड से होके आए हैं, उतर के बाकायदा देख के आए। काम पूरे सही है, ये उखाड़ के आपको वापस, ये सब देश में अगर ये पत्थर है सारा रोड आपका उखड़ेगा। बिल्कुल नहीं है या तो आपके ये सारे सस्पेंड होंगे सारा नोटिस नहीं है सरकार के। आप लोग इधर ना डिपार्टमेंट देख रहे हैं ना आप देख रहे हो, इतने बड़े बड़े बॉर्डर में और वो जो सारा काम आपका ड्रेनेज का हो रहा है वो शुद्ध भी अपना ठीक करवाए जरा आप लोहे का। किसने सूट का डाल दिया? किसी वन में क्या है उसमें? 3 सूत्र वाला सर है। कितना सूट वाला है आपका? हाँ और वो जो मैं उसकी कंडीशन देखी है वो तो मर्जी वाले सूट लग रहे हैं। वो एक पीस है, वो दूसरा पीस है, वो तीसरा पीस है। देखिए मैं क्वेटा में बहुत सारे रोड्स कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ों के काम स्टार्ट हैं और हमारा मकसद भी यही है कि टाइम टू टाइम मैं ख़ुद भी जाता हूँ, ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरी CNW साहब हैं ये भी विज़िट पे जाते हैं। माजी में हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे इश्यूज क्वालिटी और बाकी चीज़ों के नज़र आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये समझें कि हम जितना भी काम कर रहे हैं वो 100% बहुत बेहतर है इन कंपेरिज़न टू अदर वर्क्स। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग और सुपरविज़न जब तक कामों की नहीं होगी तो हम कामों को ठेकेदारों के हवाले बिल्कुल नहीं कर सकते। आज आने का मकसद भी यही है, नवाकिली रोड है, यह हन्ना का ड्यूलाइजेशन हो रहा है, दो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो बाकायदा दोनों तरफ से 48-48 फीट पक्का रोड जो है ये पूरा नवाकिली और हन्ना तक जाएगा।
नवाकिली साइड पे मैं आज गया था, तो थोड़ा बहुत एक एक्सपीरियंस काम के साथ साथ हमें भी डेवलप हुआ है। तो मुझे कुछ कमज़ोरियाँ इस काम में नज़र आई हैं, जिसमें ख़ासकर जो बेस वर्क है वो थोड़ा सा ठीक नज़र नहीं आया। ड्रेनेज का सिस्टम जो थोड़ा बहुत काम हो रहा था उसमें थोड़ी कमज़ोरी नज़र आई है, जो अभी मैं आपके सामने थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट से भी बात कर रहा था कि इन कमज़ोरियों की गुंजाइश कम से कम हमारी गवर्नमेंट में किसी के पास नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर है चाहे कोई भी हो, अपना काम ठीक करे, और जो ऑफिशियल अपना काम, मैं अप्रिशिएट करूँगा जनाब नूर मेंगल साहब, माशाल्लाह पूरे बलूचिस्तान में सारे कामों पर जाते हैं, ख़ुद सुपरविज़न भी करते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं अफसरों में थोड़ी बहुत कमी बेशी भी नज़र आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी कामों में हमें कमज़ोरी नज़र आई है, बहुत सारे एक्सचेंज को भी सस्पेंड किया गया है, इंक्वायरीज़ भी हो रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि काम को हर 15-20 दिन की नौइयत पे सुपरविज़न भी उसकी हम कर रहे हैं, हर लेवल पे कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ कमी बेशी नज़र आएगी किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। चाहे कॉन्ट्रैक्टर अपनी क्वालिटी का काम करे, डिलीवरी करे, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जहाँ कमज़ोरी नज़र आएगी, जहाँ वीकनेस नज़र आएगी, वहाँ डिपार्टमेंट पे भी इंक्वायरी होगी और कॉन्ट्रैक्टर को भी पिनलाइज किया जाएगा। जाम साहब, आज पहली दफ़ा हमने आपको बहुत गुस्से में देखा अबाउट क्वालिटी, आपने क्वालिटी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन रखा था, आप क्या समझ रहे हैं ये कोताही किस तरफ से हो रही है, मतलब किस एंड पे ये कोताही है? देखें, ये दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मेरे ख्याल एक मेंटल कोताही है जो हमारे सूबे में अमूमन मैंने देखा है, पास्ट में भी रहा है, कि बलूचिस्तान में लोगों ने समझा कि जी बस काम हो ना हो कोई नहीं देखता, तो क्वालिटी भी किसी को समझ में नहीं आती, बस ठीक है ठेकेदार आके काम कर लेगा, डिपार्टमेंट ने भी देख लिया और एक अप्रिसिएशन लेटर और कंप्लीशन भी दिया, इसकी गुंजाइश कम से कम मेरे पास नहीं है। मैंने इनको बड़ा सख्ती से कहा है कि इन रोडों के अंदर जहाँ कमज़ोरी नज़र आएगी, और ये ना समझें कि हमें पता नहीं है, अपना भी हमारा एज ए नाजमशिप भी एक्सपीरियंस रहा है, इसी सूबे में रहते हैं, 10 लोग काम करने वाले भी हैं, यहाँ पे जो कोताही है दोनों तरफ आती है। कॉन्ट्रैक्टर की कोताही उस वक्त होती है जब डिपार्टमेंट की या उस एक्सीएन की ना हो। नूर साहब, जैसे मैंने आपको कहा, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है और पूरे सूबे में हर जगह जाते हैं, बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, इसी वजह से बार बार हम भी खुद विज़िट करते हैं कि जहाँ डिपार्टमेंट के साथ भी कोताही होगी, चाहे वो एक्सीएन हो, एसडीओ हो, ओवरसीयर हो, एससी हो, उस पर इंक्वायरी भी होगी और उसको हटाया भी जाएगा। आज इस प्रोजेक्ट पे आने का भी यही मकसद है कि जहाँ जहाँ कमज़ोरी होगी, सेक्रेटरी साहब इंशाल्लाह न सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्टर को तंबी करेंगे, पिनलाइज करेंगे, बल्कि अपने अमले को भी करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ बड़ा साफ बताता हूँ कि जो इस सूबे ने भुगता है, हम अगर खामोश रहेंगे और चीज़ों पे एक्शन नहीं लेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जाली डिग्री हो, जाली डोमेसाइल्स, रोड रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़, इस तरह की चीज़ों पे अगर हमने आंख अपनी बंद की, अब ये इस रोड पे अगर दोनों रोडों पे आप लगाएं, तकरीबन 1 अरब रुपए आवाम का लग रहा है। अगर मैं चंद दिनों की मेहनत या सेक्रेटरी साहब या मिनिस्टर साहब नहीं करेंगे, ठेकेदार का कोई नहीं है, ठेकेदार आज इधर काम कर रहा है, कल सिंध जाएगा, परसों केपी जाएगा, तरसों कहीं और काम करेगा, ये इंटरेस्ट तो हमारा है, हम सूबे के सियासतदान हैं और हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, हमें इस पर अपने सख्त नज़र रखनी है और रखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने अपने ज़िले में काम चल रहा था, वहाँ भी क्वालिटी ठीक नहीं हुई, सेक्रेटरी साहब को हमने कहा जी उखाड़े रोड को, और वो उखाड़ा उन्होंने रोड, और इधर भी मैंने इनको कहा कि अगर इसकी क्वालिटी सही नहीं निकलती, और बल्कि मैं एक और काम भी कराऊंगा कि हम इनकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी कराएंगे, हम FWO को भी ला सकते हैं, हम आर्मी को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम बड़े बड़े कंसल्टेंट को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मैं करूंगा कि वो भी आके ज़रा देखें कि ये मेयार जो है ये अपने स्टैंडर्ड पे है या नहीं है। तो उसमें ठीक है, बाकी कामों में 19-20 का फ़र्क आ सकता है, लेकिन बेसिक काम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, काम की क्वालिटी पर नहीं होगा, और उसकी पायदारी पर बिल्कुल किसी हवाले से भी नहीं होगा, और सिर्फ काम पर नहीं है, इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हमने एंटी जो करप्शन है उसको एक्टिवेट किया हुआ है, CMIT हमारी एक्टिवेट है, डिपार्टमेंट्स भी खुद एक्टिवेट हैं, PSDP के हवाले से एक फॉलोअप का हमने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि स्कीम्स की आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि कौन सी स्कीम कहाँ बन रही है, तो उसका GIS लोकेशन भी हमें अभी पता होता है, PC1 का भी हिस्सा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली गवर्नमेंट है फेडरल गवर्नमेंट के बाद जिसने बाकायदा अपना एक एक्ट मंजूर करवाया कि अब बलूचिस्तान के अंदर अगर आपने कोई मंसूबा बनाना है तो उसका एक प्रोसेस है, और जब तक अप्रूव्ड स्कीम नहीं होगी वो बजट का हिस्सा नहीं बन सकती, जो वफाक ने पिछले 2018
18-19 में कराया है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस बजट में मंजूर कराया है। बल्कि मैं मीडिया को भी कहूँगा कि आप की टीम्स जो हैं वो भी इन स्कीम्स पे जाएं, विज़िट करें, अपना फीडबैक मुझे दें। जहाँ आपको कमज़ोरी नज़र आती है, कम से कम आपकी बात मुझ तक पहुँचे, हम उस पर एक्शन लेंगे और उस पर मैं ख़ुद भी विज़िट करूँगा और देखूँगा कि जहाँ कोताही है, और फिर उनको उनकी ज़िम्मेदारियों को तयन भी करेंगे। तकरीबन 7 से 8 एक्सीएंस को सस्पेंड भी हमने किया है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को हम ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं, और जो ये अभी नए कॉन्ट्रैक्टर्स आए इनको भी हमने तंबीह की है कि इस बात ये आप भूल जाएं कि आपको शायद माजी का एक एक्सपीरियंस बलूचिस्तान में होगा कि रफा दफा करके आपको काम की इजाज़त दी गई, अब इसकी गुंजाइश नहीं होगी। इसी तरह मेट्रो पे अगर आप तवज्जो दें, एक जो है ना सयाब चौक है और ये क्या नाम है इसका सेटलेटॉन चौक है और मकानगी रोड का चौक है, जहाँ पर सिर्फ उस स्लैब से गुजरने के लिए घंटों घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता है और हर साल 6 महीने बाद ये दोबारा बनती है, इस पर क्या तवज्जो दें? इसमें देखें, अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर भी मेरे साथ हैं। यकीनी तौर पे सरयाब के बहुत सारे बड़े रोड तो काम लोगों को आते हैं बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन आम आदमी एक गली से एक छोटे मोहल्ले में और उसमें अपने सर्विस देखना चाहता है, सफाई देखना चाहता है, गटर का सिस्टम बेहतर होता हुआ देखना चाहता है और बाकी चीज़ देखना चाहता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमने कुछ चीज़ों की अभी टास्किंग की है, फैसिलिटेशन हम कर रहे हैं, मशीनरी हो, मैन पावर और बाकी सारी चीज़ें हों, लेकिन जहाँ जहाँ जिन चीज़ों में कमज़ोरी है उसको हर सूरत हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरतें हम पूरा नहीं करेंगे हम पब्लिक को एक रिलीफ नहीं दे सकते। हाँ, जहाँ तक एक बहुत बड़ा ऐसा काम है जो एडमिनिस्ट्रेशन के या डिप्टी कमिश्नर के या डिपार्टमेंट्स के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर, वो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें आम इनकी रूटीन की हैं उनमें कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। तो इस लिहाज से ये जो हमारा नया साल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले साल से ही, ये मेरे ख्याल शायद पहली गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान में जो हमने जुलाई से CNW ने और PHE ने अपने टेंडर भी शुरू कर दिए, वरना ये टेंडर जाके नवंबर दिसंबर में जाके होते थे, लेकिन जुलाई में शुरू करने का मकसद भी यही है कि हम शुरू से अपना काम स्टार्ट करें ताकि साल के एंड में हम कंप्लीट भी कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो हमने तकरीबन 71 अरब रुपये हुकूमत बलूचिस्तान ने जो 71 अरब रुपए हैं PSDP में खर्च किए, ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतना बड़ा अमाउंट जो है वो पूरे साल में खर्च हुआ है। लेकिन हमारे खर्च करने का एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि हमने जुलाई से खर्च को शुरू किया। अमूमन पिछली गवर्नमेंट में ये होता था कि पूरे साल 70% कोई ख़र्चा नहीं होता था, आखिरी 3 महीनों में आप देखते थे कि किसी एक महीने में 20 अरब निकाल लिए, किसी एक महीने में 40 अरब निकाल लिए। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर से शुरू है, और अगर ये कोविड का और ये बर्फ़बारी का सिलसिला ना होता तो शायद इस 70 अरब से भी ज़्यादा हम कम से कम 90 या 100 अरब के लगभग जा चुके होते जो इन ऑनगोइंग और पुराने कामों पे खर्च हुआ है। तो इंशाल्लाह इस साल हमने तकरीबन कोई 300 ऐसी स्कीमात को कैप किया है, उन स्कीमात जिनको हम ये समझते हैं कि इनके अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी है, और उनके ऊपर अभी हमारी 1 महीने के अंदर PND की और चीफ सेक्रेटरी साहब की और कैबिनेट की एक कमेटी बनी है जो 1 महीने या 2 महीने के अंदर अपनी पूरी रिपोर्ट तरतीब देगी, और हम फिर ये डिसाइड करेंगे कि ये जो 300 स्कीमें हैं इनके अंदर कितनी कमज़ोरी है, किस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कितना पीनलाइज करना चाहिए, वो सारा सिलसिला होगा। सर, ये इसके जो कोयटा की ब्यूटिफिकेशन है और जो सड़कों की तोसी का एक मंसूबा आपने एक्सटेंसिव एक शुरू किया, उसमें हम देख रहे हैं कि जो सरयाब रोड है उसके अब तक कोई काम नज़र नहीं आ रहा, उसका बहुत खूबसूरत व्यू आपने अपने ट्विटर पर शेयर भी किया, अब तक वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, उस मनसूबे पर कब तक? बल्कि कमिश्नर साहब यहीं पर मौजूद हैं, मैं ख्याल सरयाब का आपका तकरीबन सर वर्क ऑर्डर भी हो गया है, मोबिलाइजेशन एडवांस भी चला गया है, शिफ्टिंग पेमेंट्स भी, और लैंड सर आपके कितना प्रोजेक्ट बड़ा था? 7.6 मिलियन के, देखिए 7.6 किलोमीटर का ये पूरा रोड है सरयाब का, जो आपके कस्टम हाउस से शुरू होगा और आएगा इरीगेशन कॉलोनी तक। ये 3 लेन रोड है, इसका काम भी मिल चुका है, इसका वर्क ऑर्डर भी मिल गया है, इसका मोबिलाइजेशन भी मिल गया है, यूटिलिटीज़ जो होती हैं जिनको हुकूमत पे करती है, जिनको लेती है, उसके बाद काम स्टार्ट करती है, और इंशाल्लाह हम इसका काम कब तक? सर हम इंशाल्लाह अगले 10 दिन में मोबिलाइज हो जाएगा, आज हमने सर तो आप ये समझ लें कि ये 10 का कह रहे हैं, मैं आपको 5 दिन और दे देता हूँ कि अगले 15 दिन में इंशाल्लाह सरयाब का पहला काम स्टार्ट होगा। और सरयाब का एक और रोड भी है जो रेडियो पाकिस्तान से का कमरानी रोड जाएगा, एक वो रोड भी है,
और पटेल रोड भी है, लिंक बादीनी रोड, लिंक बादीनी रोड भी है। तो इंशाल्लाह सरयाब के ये चारों कामों के, तीनों कामों के टेंडर भी हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर्स भी दे चुके हैं, मोबिलाइजेशन भी अभी हमने उनको दी है, यूटिलिटीज़ को पे करके इंशाल्लाह इन 15-20 दिनों में काम भी स्टार्ट हो जाएगा। इस पे हो चुकी है कार्रवाइयां, हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयां जो है सामने आ रही है, मिली भगत हो रही है ठेकेदारों के साथ, इस तरह की मुख्तलिफ कार्रवाइयां हम देख रहे हैं कि सामने आ रही है, खुशाइंद है। क्या समझते हैं कि कोई सियासी असर रसूख है या जो इलाके का MPA है वो इसमें इन्वॉल्व है? क्या अब तक आपको बताया गया है कि किस तरह इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, किस तरह ये लोग इन्वॉल्व? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 36 जो मेरे ख्याल अभी तक एक्सीएंस और एसडीओज हैं, कोई 36 अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं और तकरीबन 68 इंजीनियर्स को हमने इसी तरह हटाया है। देखिए जब 15-20-25 साल आप एक माहौल में काम करें ना, तो हर आदमी ठेकेदार हो, एक्सीएन हो या कोई भी हो, वो समझता है कि उसको कोई नहीं पूछ सकता, उसको कोई हटा भी नहीं सकता। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि इतने बड़े पैमाने पर सस्पेंशन भी हुए, इंक्वायरीज़ भी चल रहे हैं। पहली दफ़ा है कि सेक्रेटरीज़ को भी सस्पेंड किया गया है, पहले तो हालांकि हम किसी इंजीनियर को भी सस्पेंड नहीं करते थे। तो ये हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि काम ठीक हो, और हर आदमी ये अगर महसूस करता है कि उसको कोई आके बचा लेगा तो वो इस खुशफहमी फहमी में ना रहे। काम अगर ख़राब है तो वो ज़िम्मेदार होगा। और ये मेरे ख्याल अभी तक लोगों के जहन में जो आस्ते आस्ते ये चीज़ ये जो हटती जा रही है, अब लोग सीरियस भी होते जा रहे हैं कि नहीं जी अब काम करना है, क्योंकि पूछने वाला भी है, विज़िट करने वाला भी है, इंक्वायरी भी होती है, कमेटी भी आती है, रोड को उखाड़ा भी जाता है, पैसों को वापस भी लिया जाता है और ब्लैकलिस्ट भी किया जाता है। जब ये जहन बन जाएगा तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से एक्सीएन और उसका डिपार्टमेंट भी अपना काम ठीक करेगा और ठेकेदार भी अपना काम ठीक करेगा। मैं अभी एयरपोर्ट रोड पे भी जो काम हो रहा है उस पर भी आपने देखा होगा, मैं वहाँ भी गया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि नाकिस काम हो रहा है, मैं ये कहूँगा कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत जिस हिसाब से है उसको वहाँ नहीं लगना चाहिए, उसको उधर कोई और चीज़ लगनी चाहिए थी। तो वहाँ अभी भी मैं एयरपोर्ट रोड पर उतरा हूँ, जैसे कहीं टफ टाइल हैं तो बहुत बड़े साइज़ के लग गए हैं, कहीं सीमेंट का काम आपका ऐसा है जहाँ पे अगर पत्थर का काम होता ज़्यादा बेहतर होता, कुछ पेबल के काम थे तो छोटी मोटी निशानदेही होती है, इनको करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस रोड का मैं उम्मीद रखूँ, हालांकि मैं इसमें अभी भी मैं सख्ती से सेक्रेटरी साहब को भी कहा है, दूसरों को भी कहा है कि मेरी जो एक एक्सपेक्टेशन, अच्छा मेरी एक्सपेक्टेशन ख़राब भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन इसकी राइड को थोड़ा और बेहतर करना है। यहाँ पे इसके एडिशन, इसके अंदर स्ट्रीट लाइट्स के कंपोनेंट है, उसने भी अभी आना है, और मेरे ख्याल ये अगले तकरीबन ये जो कंपोनेंट जो CNW के पास है, क्योंकि पिछला एक कंपोनेंट है वो BDA के पास है जो बहुत पुराना काम चल रहा है, वो कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये नवा के लिए FC हॉस्पिटल से लेके अन्ना तक मेरे ख्याल अगले तीन महीने आप लगा लें तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। ये ड्यूल वे रास्ता है, 24 फुट इधर है, 24 फुट उधर है। जी हमारी देखिए कोशिश है कि ये रिकॉर्ड टाइम में ये सारे काम हम करवा रहे हैं, और उसकी वजह सबसे बड़ी है कि जब आप स्कीम रखते हैं तो उस स्कीम के लिए इतना फंडिंग भी रखनी चाहिए ताकि उस स्कीम हो सके। हम स्कीमा तो 2-2 अरब की रखते थे, लेकिन हर साल उसके लिए कभी 10 करोड़ है, कभी 20 करोड़ है, तो स्कीम जाके 10 साल में कम्प्लीट होती थी। अब हमने ये प्लान किया है जो पिछले 1 साल से हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं कि एक स्कीम को कम से कम हमने 2 साल के अंदर कंप्लीट करना है, इससे ज़्यादा हमने आगे नहीं जाना है। हाँ कोई डैम का काम है जो 3 से 4 साल ले सकता है वो अलग बात है, लेकिन हमारे मेन रोड जितने भी अभी आज बन रहे हैं, हमारा टारगेट है कि हमने 2 साल के पीरियड में इनको पाए तकमील तक पहुँचाना है, तो उनके लिए एलोकेशन भी इंशाल्लाह रखनी है। पिछले साल हमने तकरीबन 2500 किलोमीटर रखे जिन पर काम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी तकरीबन कोई 2400 से 2600 किलोमीटर है, तो ये कुल मिला के 2 साल में 5000 किलोमीटर है जो इस पूरे सूबे में बन रहा है। कोशिश हमारे है कि पेवर से हम रोड बना रहे हैं, क्वालिटी की थोड़ी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन 100% हर जगह काम सही नहीं होता, कहीं कभी सुपरविजन से चीज़ें इधर उधर रह जाती हैं, लेकिन जहाँ निशानदेही होती है तो उस पर हम अपना एक भरपूर एक्शन भी कर रहे हैं, एक स्टेप भी ले रहे हैं और उन कामों को रेक्टिफाई करके फिर भी ठीक भी करा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।